अरे बाबा, सनम ने एहसान से कहा उसे गाड़ी लेनी है सेकंड हैंड। एहसान के दोस्त का शोरूम है, बस उसने हेल्प आउट कर दिया, बस गाड़ी दिला दी। अब क्या गाड़ी चलाना भी सिखाएंगे? हद हो गई, कैसी बातें कर रही हूँ भाई। मैं उसको समझा रहा होगा गाड़ी के बारे में, तुम्हें पता भी है आजकल गाड़ियां भी तो कितनी अलग अलग टाइप की आ गई हैं। और पैसे किसने दिए? कम ऑन तानिया, सनम ने ही दिए होंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? एहसान उसको 60-70 लाख की गाड़ी लेके देगा? पीजान मैं तानिया प्लीज बस कर दो अब, सनम को एहसान में नहीं चौथाई में इंटरेस्ट है, समझ जाओ। फिल्मी औरतों का क्या है, कभी किसी में इंटरेस्ट कभी किसी और में। कितनी बुरी बात है, अब तुम भी सवेरा जैसी बातें करने लगी। तुम्हें तो मैंने बुलाया था कि तुम सवेरा को दुरुस्त करोगी, अब तुम वेरी बैड। आप ही कौन सा तरीका है कि कंपटीशन डिसाइड करे किसकी शादी होगी किसकी नहीं होगी? मुझे नहीं समझ आई ये बात। दानिश, आई नो आप ये शादी नहीं हो सकती और मैं होने भी नहीं दूंगा। क्या करोगे तुम? देखो, हीरो से विलन बनने की कोशिश मत करो, विलन का अंजाम अच्छा नहीं होता। इस स्टोरी में विलन रोहन है और मैं उसे क्या करोगे तुम? अपनी जो इज्जत बनाई हुई है एहसान अंकल और दानिया की नजरों में, उसे गिर जाओगे? बताओ। कुछ नहीं होगा आप ही, मैं जो करूंगा बहुत बहुत आराम से करूंगा।